अभी तो ये क्या कर रही है? खा रही है खीरा, और मम्मी को लग रहा है गले में अटक जाएगा, तो उसको दूध पिला के सुला दो। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट शी इज अ बिग गर्ल नाउ, बिग गर्ल। इफ यू कांट च्यू, गिव इट टू मी, थ्रो इट अवे, गिव मी। कड़वा भी है तो कड़वा खीरा दिया है क्यों उसको? क्यों मतलब मैं खा रही, तुम सोचा भुला भुला के लेके चली जाऊंगी रूम पे, ये तो खाने को इनवाइट किया। कड़वा नहीं है, इतना सारा मुंह में खीरा घुसाया। So finally, I'm back with my babies. Becky. खीरा बाहर आ गया, अभी यहीं से उठा उठा के खाओगी? जी। अरे यहाँ से खा लो डायरेक्टली। Good girl. तो इन दिनों मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है घर पे बैठे बैठे, ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैंने सोचा वो आज आप लोग के साथ अनपैक करती हूँ, जिसके साथ मेरा घर फुल्ली रेडी हो जाएगा। मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने महीने में मेरा घर अभी भी फुल्ली रेडी हुआ नहीं है, और एक्चुअली मैंने ऑर्डर क्या किया बीमारी में बैठे बैठे मैं खुद भी भूल चुकी हूँ, जैसे जैसे खोलूंगी मुझे याद आएगा। और उनमें से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऑर्डर की है। आइकिया में एक चीज मिलता है, आप अगर दरवाजे पे लगा दो या दीवार पे लगा दो तो वो साउंड अब्सॉर्ब कर लेगा और आपके बेबीज के रूम तक साउंड नहीं पहुंचेगा। तो इनकेस बाहर हम लोग बैठ के अभी टीवी भी देखते हैं, शाम को बच्चे तो 8 बजे सो जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे टीवी देखते, मतलब टीवी भी ढंग से नहीं देख पाते। तो वो सारी चीजें मैं खरीदी हूँ और आज मैं लगाऊंगी और एक्चुअली देखूंगी कि वो किसी काम का है या नहीं। ये है जो मैंने शॉपिंग किया, खोल खोल के शुरू करती हूँ, क्या है पता कर लेती हूँ। ये तो बहुत ही भारी है, क्या हो सकता है इतना भारी सा? मैंने क्या ऑर्डर किया था? ओ या, I know what is this. ये है बेबीज का खिलौना रखने का जगह। तो अभी उन लोगों का खिलौना वो देखिए कैसे पड़ा रहता है। तो मैंने ये एक ऑर्गेनाइजिंग ड्रॉअर टाइप का खरीदा, इट्स लाइक अ स्मॉल कबर्ड, जिसमें ऐसा जो बॉक्सेस है वो बॉक्स 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 होगा। शी विल लर्न टू यू नो टेक आउट हर टॉयज एंड कीप बैक द टॉयज। समझ में आ गया। बच्चों का सामान इतना भारी होना चाहिए, मुझे लगा था प्लास्टिक का होगा पर नहीं, ये तो है लकड़ी का, ये ऐसा कुछ है। अभी ये क्या है, क्या कोई बता सकता है कि ये क्या है? हम मैं भी नहीं बता सकती तो कोई क्या बताएगा। तो ये वो रैक है, इट्स लाइक अ शेल्फ। तो इसको दीवार पे ऐसे रखूंगी तो यहाँ पे बुक्स रख सकती हूँ, फोटोज रख सकती हूँ, एलेक्सा रख सकती हूँ, कैमरा रख सकती हूँ। मतलब ये रैक काफी बड़ा है, मैंने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, छोटा सोचा था। इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता है लेंथ वगैरह। ये जो बहुत बड़ा लंबा बॉक्स है, ये एक छोटा सा कबर्ड है जिसमें मैं एकदम मतलब घर के बहुत सारा सामान जो इधर उधर ऐसे फैला रहता है उसके लिए मैंने खरीदा है, वो मुझे पता है। इसके अंदर है मेरे सारे फेवरेट चीजें। ये है वो साउंड अब्सॉर्बिंग बार, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं पता करूंगी कि इधर साउंड वाकई में आता है कि नहीं। इसको ऐसे लगाना होता है। पब्लो तुमको समझ में आ रहा है? ये ऐसे रहेगा। तो ऐसे रहेगा कैसे? ऐसे दीवार पे अटका देते हैं, वो साउंड अब्सॉर्ब हो जाता है। तो फाइनली मैंने फोटोज देखे इंटरनेट पे कि ये एग्जैक्टली कैसे लगाते हैं, उससे पता चला कि ये जो छेद छेद है इस छेद छेद से घुसाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज शाम को जब भी गुरमी टीवी देखते हैं, गुरमी तभी कम वॉल्यूम में देख ही नहीं सकते, बहुत तेज वॉल्यूम में देखते हैं, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं बेचारे गुरमी तब से इतना लाउडली टीवी देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ इंतजाम कर लिया जाए ताकि हम थोड़ा लाउडली टीवी देख सके। मुझे बेबी का आवाज मिल रहा है, मुझे उसको फीड करने के लिए जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आप लोगों तक आवाज आ रहा है कि नहीं। सुनाई दे रहा है कुछ? आपको माइक से सुनाई दे रहा था, इससे आप लोगों को एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अभी बाहर हम टीवी चला के देखेंगे एक्चुअली सुनाई दे रहा है कि नहीं। अब मैंने लिया है ये छोटे छोटे प्लांटर्स, इन छोटे प्लांटर्स में मैं रखूंगी ये वाले प्लांट्स। इसके लिए प्लांटर बड़ा है, इसके लिए बहुत सारे प्लांट्स है जिसको मैं इधर रखूंगी। ये जो प्लांट है, ये प्लांटर है, ये है प्लास्टिक का, तो इस प्लास्टिक के प्लांटर में से हटा के मैं इसको रखूंगी इसमें। अब मैं लाई हूँ ये, इसमें रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूला आता है प्लास्टिक के पैकेट में, प्लास्टिक में तो रह नहीं सकता, उसको हम कांच के बर्नी में डालेंगे, तो दिस इज इट। फिर मैं मंगवाई हूँ ये, दिस इज अ बैग, कहीं पे जाते हैं तो खाने का सामान सूटकेस में एकदम मतलब ऐसे फैल जाता है, और जब होटल से कहीं निकलते हैं नज़दीक आसपास तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बैग लेना पड़ता है। तो एक दो दूध का बॉटल और कुछ स्नैक्स इसमें हम लेके आराम से जा सकते हैं, एंड दिस इज़ लाइक यू नो वाटर प्रूफ, एकदम प्लास्टिक का।
तो दिस इज फन, इसमें कुछ भी यार गिरे भी तो भी चलेगा। शारदा को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, देखिए उनके शक्ल में उसकी हंसी। ये है स्नैक का डब्बा, मैंने देखा है कि गाजर और वो जो है खीरा उसको काट के लंबा लंबा करके धो के इसमें ले लेंगे, तो इसका जो एक्सेस पानी है वो इधर हो जाएगा, क्योंकि पानी में खीरा गाजर का पिलपिला हो जाता है, तो उसको ऐसे रखेंगे। हम लोग अनहेल्दी चीज़ नहीं खिलाएंगे, कोशिश करेंगे। मैंने बच्चों के लिए नाइट लैम्प लिया है, देखने में ये बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं है, एक्सपेक्ट करते बच्चों जैसा मतलब पिंक पिंक कलर का कुछ लगाऊं, कार्टून टाइप का कुछ, पर इसको खरीदने के पीछे का जो मेरा मकसद है, रात को ना एक छोटी सी लाइट की ज़रूरत पड़ती है जो कंट्रोल किया जाए, तो ये ऐसे करके तेज़ होता है और ये एकदम धीमे हो जाता है, एकदम जस्ट टिमटिमा, तो अननेसेसरीली बच्चों के आँखों में गिरता है रोशनी, तो वो लोग सोते नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे ना ऐसे कंट्रोल करने वाले लाइट ही चाहिए थे, रोशनी कंट्रोल कर सके। तो जब मैं बीमार थी मैं सबसे ज़्यादा जाती थी रूम और बाथरूम, तो बाथरूम में जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाथरूम साफ करने के लिए एक ब्रश खरीदना पड़ेगा, तो जो मैंने खरीदा, इससे नल का साफ और इससे करेंगे बाथरूम का फ्लोर साफ। ये भी पीनू के लिए मैंने खरीदा। हम जब भी इधर उधर कहीं जाते हैं, आजकल हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल्स जाते हैं, वहाँ पे जो होटल या रेस्टोरेंट का चम्मच वगैरह है ना, मुझे वो थोड़ा सा हाल ही में पसंद नहीं आ रहा था। घर पे हम इतने स्टेरिलाइज कर करके खिलाते पिलाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर रेस्टोरेंट का यूज करे, तो इसके लिए पीनू के लिए मैं कटलरीज लेकर आई हूँ। ये है कटलरी का बैग और इसमें रहेगा पीनू का कटलरी, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि रेस्टोरेंट में जाके हम छोड़ के आ जाए। ये उसका छुरी, ये उसका चम्मच और ये उसका फोक। ये बाथरूम का कोना कोना साफ करने वाला। इंसान जब बीमार होके बिना काम के साथ कमरे में पड़े रहते हैं ना, तो ये सब काम करते, दिमाग में सोचते क्या मेरा बाथरूम का कोना साफ करना है, चलो उसके लिए एक ब्रश खरीदो। तो मेरा खुद का कबर्ड को और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने खरीदे हैं छोटे छोटे क्लॉथ बॉक्सेस, तो इसमें मैं अपने इंडियन कपड़ों को अलग अलग कर करके रखूंगी। नाइस इट इज। बालकनी में मैंने एक छेद छेद वाला बॉक्स खरीदा है, उस छेद छेद वाले बॉक्स में मैं जब भी कुछ रखती हूँ बहुत धूल हो जाता है, क्योंकि बॉम्बे में इतना पोल्यूशन है, तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स खरीदा ताकि मैं इसके अंदर करके उस बॉक्स के अंदर रख सकूँ। अच्छा, ये है छोटा सा शेल्फ, तो इसमें पीनू के बेड टाइम बुक्स जो है वो सब रखूंगी। धीरे धीरे मैं उसको बुक्स पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला शब्द जो पीनू ने बोला है, गेस व्हाट इज दिस वर्ड, रैबिट, रैबिट, रैबिट बोला इतना बड़ा। मेरा भाई सुन के बोल रहा है ओ कैट डॉग बॉल, ये सब नहीं सुना कि तू एक 11 महीने के बच्चे को रैबिट सिखा रही है। मैं क्या करूं, मेरी 11 महीने की बच्ची सबसे पहले रैबिट बोली। तो उसकी सुबह जो भी बुक्स है मैं इसको अच्छे से सजाऊंगी और उसके बाद मैं पीनू का रूम टूर कराऊंगी। और ये है सारे बॉक्सेस जिसमें उसके टॉयज रहेंगे, ताकि वो खुद ऐसे निकाले, खेले और खुद ऐसे रख दे। आप पीनू का ये वाला वीडियो देखिए, तब तक अंदर जाती हूँ रूम में, फ्रेशन अप होती हूँ और फिर दिविशा को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं डॉक्टर के लिए, तो वो सारे सवाल डॉक्टर के पास जाके करूंगी। ठीक है, चलो। हाय। तो आज दिविशा को लेके, ओह माय गॉड, कौन बोलेगा ये मार्च है, मार्च मतलब समर मार्च करते हुए आ गया हमारे दरवाजे पे और बोल रहा है धूप गर्मी भागो, और समर आ गया मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप जब बाहर जाए तभी सनस्क्रीन लगाए, लेकिन एवरी डे जब आप फेस वॉश करें उसके बाद रोज सनस्क्रीन लगाएं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एक अच्छा सनस्क्रीन अगर मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी, वो है एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस डीवी सनस्क्रीन, विच हैज़ 50 SPF एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA, UVB एंड SPA प्लस 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 प्लस। तो इट इज़ वाटरमेलन, नायसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेट करता है, नायसिनामाइड स्किन का जो भी थोड़ा बहुत ब्लेमिशेस है उसे गायब करता है, एंड वाटरमेलन जो है वो भी हमारी स्किन को ब्राइटन करता है एंड गिव सम एक्स्ट्रा नरिशमेंट। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, जो व्हाइट कास्ट होता है दूसरे सनस्क्रीन लगाने से, दिखता है, लगता है कि कुछ लगाया या आपने मास्क लगाया हुआ है।
ऐसा भी नहीं होता है, और वाटर बेस्ड है तो बहुत इजीली और जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और सबसे ज़रूरी जो काम करता है वो है कि सन से प्रोटेक्ट करता है। Aqualogica is a brand which is a mixture of science and nature. Nature बोलने से यहाँ पे है जैसे watermelon, science बोलने से है niacinamide. तो इसका बहुत ही अच्छा मिश्रण करके सारे products निकाले हैं। Aqualogica का और एक amazing initiative ये है कि हमारे skin को तो hydrate करता ही है जो भी products है Aqualogica का, उसका main product है hyaluronic acid, तो हमेशा skin को hydrated या moisturized रखता है, skin का जो natural moisture है उसे जाने नहीं देता है। Plus community के लिए भी अच्छा है Aqualogica, because every time you buy from their website, they will provide fresh drinking water to a community who lags fresh drinking water. तो जहाँ पे हम घरों में बैठ के गर्मी में, मतलब हम नलका खोलते हैं और हमारे पास पानी आ जाता है एंड वी हैव फ्री फ्लोइंग ड्रिंकिंग वाटर, तो उनके पास ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाने का जो जिम्मा है इन्होंने उठाया है, सो दैट इज़ अमेजिंग। और जो मेरा कोड है दिबीना 2023, इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट, और प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको खरीदने को मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कहाँ से आप अपना स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाई अप्लाइंग सनस्क्रीन। तो अभी सनस्क्रीन लगा चुकी हूँ, ठीक ठाक ही लग रही हूँ, ज्यादा अजीब नहीं लग रही हूँ, चलती हूँ डॉक्टर के पास। आप लोग अपना क्वेश्चंस जारी रखिएगा अपने मन में, क्योंकि याद से मैं आपके सारे सवाल पूछूंगी डॉक्टर को। हाँ, वो जो कविता है जो डॉक्टर ने कहा था नजर लगती नहीं, उसके जो स्टार्टिंग के लाइन है जो कि मैं भूल चुकी हूँ और आपने पूछा, तो वो भी मैं पूछूंगी। तो चलिए डॉक्टर के पास। देखो वो कितनी प्यार से सो रही है, दोनों हाथ को अच्छे से रख के शांति से, उसका मैं शक्ल दिखाऊं आप लोगों को और अच्छे से नजदीक से। दिव्या कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे तो मुझे लग रहा है मैं हूँ, गुरु बिंदी लगा के बिल्कुल लग रही हूँ मैं हूँ। तुम ऐसे लगती थी, सब कुछ ही तुम्हारे जैसा ही होगा तो मेरे जैसा क्या होगा बताओ, गुरु जवाब दो, नहीं तो मैं सीलिंग के बीच में तुमको उतार दूंगी। गुरु जवाब दो, सब कुछ तुम्हारे जैसा मेरे जैसा तो मेरे जैसा क्या होगा। अभी तो बोला तुम बिंदी लगा कैसे लगते थे, अब जो के जैसे मैंने कहा कि मैं उतार दूंगी बीच से बीचों बीच सीलिंग के, तो तुरंत मेरे बातों पे राजी हो गए गुरमीत। हम लोग बहुत सीरियस है अभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है अभी भी, एसी ऑन करते ही इसको खांसी आती है, तो डॉक्टर को मैं आज सब पूछूंगी कि एसी चलाना चाहिए कि नहीं, और बहुत सारे सवाल आज मैं पूछूंगी डॉक्टर को जो आपने मुझसे पूछने को कहा, ठीक है। उसको पता चल गया कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उसका अभी से रोना स्टार्ट हो गया, चलो लेट्स गो। ओ चलो हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, बहुत सीरियस है। बिल्ली ये है डॉक्टर। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? I'm doing very good. Very good, no? Yes. ये सीधा कैमरा के साथ ही है। हाँ। Live camera चल रहा है, ऐसा feel होता है। क्या देती है मेरे को? मतलब हिलता हुआ CCTV camera. You'll check whether she has cough in her throat. Because I have cough. No. You've been having a dry hacking cough, no? ये तुम्हारा सवाल था जो मैं पूछ रही हूँ। Two fingers in, fist in, everything in the mouth, blowing bubbles, spitting out, correct? हाँ। Totally normal. Don't do anything. The more you remove her fingers, the more she'll put it in. Absolutely right. No, doctor said कि मुंह में हाथ डालती है, मतलब डालेगी तो normal है, तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। Correct. And mitten लगा के कोई फायदा नहीं। Okay. We are not doing anything. We are not doing anything. What was the weight last time? It's a vaccination day also. Yeah, you hold her. See, you get the kangaroo carriers. Huh. Don't make her face you. Acha, face the world. Make her face the world. She'll be much happier. Like when I held her, she looked at you. She was smiling. Smiling, huh? Straight. Divisha. So I have another question to ask. So the question is, abhi sabko ho raha hai na Bombay mein. Ye sardi, khasi, influenza, B. Is it as dangerous as people make it sound to be?
क्योंकि मुझे ठीक हो गया बट अब तो मैं किसी को दे नहीं सकती ना. So the minute the fever settles with influenza, you technically become non-infective to everybody else. Oh. So the fever has to settle. So the minute the fever settles, you're sorry. But 4 days I had fever. Yes. 3-4 days. तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मुझे influenza B है. मैं तो अच्छा इन लोगों के साथ सो रही थी. जैसे मुझे पता चला मैं I stopped sleeping with them and all. पर तब तक मैं ठीक हो गई थी. पर touch wood इन लोगों को कुछ हुआ नहीं. Lucky. I'm lucky. Very lucky. Because normally with influenzas, you will happen to transfer it from one to the other because it's a viral. और बच्चों के लिए ज्यादा कुछ खतरनाक है? नहीं, I think early recognition will be totally fine. If you recognize it early, you'll be totally fine. But she gets cough, मतलब थोड़ा सा. 3-4 times a day normal. While feeding normal. While being active, while smiling, absolutely normal. See, she'll take her fingers in. And she'll put a lot of her fingers, she may puke and she may cough, totally normal. So you don't need to treat such a cough. The fact that she sleeps well without coughing tells you that the chest is fine and the cough is not troublesome. No, one day she was coughing while sleeping. Yeah. Baki din that she stopped, we had the medicine. Doctor ne ek medicine diya. वो खाते ही ठीक हो गए. कौन सा मेडिसिन ऐसा भूल जाती हूँ कि वो जो आपने कविता बोली थी नजर लगती नहीं वो आवाज जरूर सुना है. कितने लोगों ने बोला और मुझे सारा चीज भूल गई सिर्फ पति की बात याद रखी नजर लगती नहीं. दिव्या ने वो ब्लॉग में बोला कि आपका एंड वैसे किया कि जहाँ पे आपने ऐसा कुछ कहा नजर लगती नहीं और सारे कमेंट्स में था कि डॉक्टर ने क्या कहा कविता वो जो वो भी कविता हमें बताए. I think that's very important. दांत से जुलाब नहीं होते, शक्कर से कीड़े नहीं होते, देवी देवता किसको आते नहीं, नजर किसको लगती नहीं. ये था. Because what happens is every time, जब भी दांत इरप्शन के टाइम आते हैं, बच्चा जुलाब करता है, तब तो first thing is saying दांत आते हैं तो जुलाब होते, दांत आते हैं तो जुलाब बिल्कुल नहीं होते. It is a myth. So that's the reason. दांत से जुलाब नहीं होते, शक्कर से कीड़े नहीं होते. रीजन इज अपने किचन में कितना शक्कर रहता है, 1-1 किलो रहता है. आपने कभी कीड़ा देखा है? नहीं. तो 1-2 चम्मच में कहाँ कीड़े होने वाले हैं? करेक्ट. नजर किसको लगती नहीं, नजर लगती तो आपको गुरमीत को तो ज्यादा लगती है. वो भी है. करेक्ट. Absolutely. हाँ? Last words. देवी देवता. देवी देवता किसको आते नहीं? देवी देवता तो अच्छा, हाँ. आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद देते जो वो होता है बॉडी में वो देवी देवी देवता बिल्कुल. These are all viral illnesses that should get recognized and should be treated. देवी देवता किसको आते नहीं? समझ में आया. देवी देवता ऊपर से आशीर्वाद देते हैं. ये कविता सुनी, बाकी लाइन तो मैं भूल चुकी थी. नजर नहीं लगते सुन के मैं इतनी सेटिस्फाइड हुई और एक्चुअली सब लोग ठीक हो गए. लेकिन उसके बाद से आ गया है हमारे पास नजर का टीका जो मैंने खुद बैठ के बनाया. मैं बीमार थी घर पे, सोचा क्या करूं तो काजल बनाया. सोचिए तो. तो मोस्ट ऑफ द केस नजर का टीका कान के पीछे हथेली पे बैठ के ऊपर. हाँ, दिदर लगाते इसका भी है शायद कान के पीछे नहीं माथे पे तो बिंदी भी लगा दिया. She's a very happy. She is right now. If you leave her unattended now, she will scream. She has to be spoken to. She has to be entertained. Haan. That's the normal story. आप उसको छोड़ दो ऐसे ही and don't look at her, don't entertain her. She will scream for her presence. Right? Hi, Divisha. And this is known as social smile. Hi. छोड़ो उंगली बनाता हूँ. As sweetly to me as she smiles to you. Social smile. This is social smile. अभी smile की बात करो, ये देख के तो मुझे लग रहा है injection देके कि अब वो शुरू होने वाली है. Last time तकलीफ नहीं दी ना आपको? नहीं, हम तो यहाँ से सीधा होटल में जाके रुके थे. हाँ, सेम टीचर्स गए थे. हाँ, मालूम पड़ेगा. तब मालूम पड़ेगा. सोचा बैठ दर्द वर्द होगा. कुछ नहीं होने वाला. कुछ भी नहीं था. कुछ हो गए नहीं. चलो जाओ. कब? थोड़ी देर रोने जाओ. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. This needs to be extremely addressed. It's like postpartum depression in ladies who deliver and sibling rivalries that happen like this. So every time you want to feed Divisha and Liana's around, get Liana next to you, hold her hand and then pick Divisha so that Liana knows she's the first one, she will be the first one. There is no component of you diverting your attention to Divisha. And that is extremely important for our children, for everyone. Actually, it is happening because Divisha, जिसके भी गोदी में है, Liana को उसके ही गोदी में जाना है. And you can only break it because you are spending maximum time with Divisha. Mm. And she's seen that. So you do that. And you see everything will be sorted. Then she'll be comfortable with everyone around. It's a very simple concept. It's something that we should actually routinely do it. True. Ideally starts after 2.5-3 months.
Until 2-2.5 months, she'll play with her, she'll kiss, she'll pull her cheeks. And now, she's going to run to whoever picks Dinesha. Because the whole house has changed the mode of preference. She doesn't understand that. It's aggressive too. Because Dinesha came and hit her on the head. This is exactly that happens. Palm उसके पहले नहीं होता था, ढाई महीने के पहले कभी नहीं होता था. This is exactly what happened at 2.5-3 months. And the only way to settle this is not to explain to her, call her, make her sit, and let her realize that she's the only one, the first one. Okay. And everything in the next 15-20 days, you'll see a drastic change in her behavior also. You will see it work as magic. You just do this and you should be sorted. So it's not always any medicine that sorts baby's problem. It's some psychology, how you just deal with them and things are in place. I think extremely important is practical parenting. It is not medicine, it is not doctor's advice, it's practicality of life. And practical parenting, all this is a small minor points that happen. And if you just combat it, you will see the sibling will always take care of the young when she knows her space is already in place. मेरी बात याद आई, मैं छोटी थी, अचानक भाई आया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्या है ये, कौन, क्यों? नाना को ले, उसके बाद दिविशा को उठाए. आप एक बार लियाना को बुलाएंगे भी आपके बाजू में बैठेगी और फिर दिविशा को आप उठाएंगे तो लियाना को कोई तकलीफ नहीं. Because your first priority and preference is लियाना. That's a simple thing that she has in mind. That if mother has to feed दिविशा also, but my mother always thinks of me first. And everything will settle. It'll work magic. I know. I already understand. Yeah, in fact, you were just coming up with it. That this, she's become a little aggressive and she's become a little angry. This will settle everything. She's become an attention seeker. Because Guru needs to spend time. You need to spend time. This is the easiest way.